Do you feel that you deserve more in your life? क्या आपको ये लगता है कि आपको जो भी आप आज कर रहे हो उससे ज्यादा बड़ा करना चाहिए या उससे ज्यादा बड़ा पाना चाहिए? Believe me, if you have that thought process on your mind, तो ये वीडियो आपके लिए है. हालांकि अगर आप ये सोचते हो कि बिना काम करें, बिना मेहनत करें, सोते हुए पैसिव इनकम कमा लें और ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, बिलीव मी, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो मेहनत करके अपने आप को एक लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं. उसके बाद आपकी लाइफ में पैसिव इनकम भी आती है, रिस्पेक्ट भी आता है, मोर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज भी आती है. बट फॉर दैट टू हैपन, यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क. जो रीजन है कि आप इतना ज्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में नहीं हो, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि आपका जो नॉलेज है, जो आपका नॉलेज इनटेक है, वो बहुत गलत है और वो बहुत कम है. आपको जो भी अभी जानकारी दी गई है वो वही है जो आपको आपके कॉलेजेस में दी जाती है, जो कि हमारे देश में लाखों और करोड़ों लोगों को दी जाती है. और उसकी वजह से ही आप उस जगह पे अटके हुए हो, आप उस जगह पे हो जिस जगह पे कि आप नहीं रहना चाहते. यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, बट द रीजन व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग इज बिकॉज योर नॉलेज इज लिमिटेड. And today I'm going to help you enhance your knowledge and go to the next level. Because when you get the knowledge, you implement that knowledge and you start earning more money. Do you understand that? Fair enough. मैं बार-बार आपसे बात करता हूँ ना blue ocean theory के बारे में, वो काम करने के बारे में जो कि आपको next level पे लेके जाएगा. अगर आप हमारी बात करो, आपको पता है कि अभी मैं गोवा में रहता हूँ, मेरी पूरी टीम गोवा में रहती है. We operate out of our own house, out of our own office. हमें ना तो ट्रैफिक का झंझट है, हमें ना ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ता है, ना हमें किसी से लंबी मीटिंग्स करनी पड़ती है रिजल्ट्स लेने के लिए. Everything is operated out of our own house. It has not come easily. There has been a lot of hard work, dedication and also strategy that has actually made it possible. And I want to share all those strategies with you. And therefore, it is going to be a long video. But you know that it is going to be really beneficial for your growth as well as for your learning. I'm going to share with you certain aspects and certain strategies that would help you earn more, grow more, get more respect. And also, you can work from the comfort of your house. Not today, but after maybe 6 months, 1 year, 2 years, maybe even after 5 years, depending upon your growth and depending upon how much work you are ready to put in. I hope you are ready to go. Now let me take you to my board and I'll continue this video further. Come along. देखो, problem क्या है ना main, कि हमारे जो college में हमको लोग पढ़ाते हैं, जो हमारे teachers हैं, majority उसमें से वो सारी चीजें अपनी life में कभी खुद से use नहीं करते. For example, जो हमारे teachers हैं, जो कि हमें पढ़ाते हैं marketing या जो हमें पढ़ाते हैं entrepreneurship, वो खुद तो कभी marketing करते नहीं life में. उन्होंने खुद तो कभी एंटरप्रेन्योरशिप करी नहीं है, तो वो आपको वो ज्ञान देते हैं जो कि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करा. फॉर एग्जांपल, अगर आप एल्जेब्रा की भी बात कर लो, एल्जेब्रा कब आज तक हमने या उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी यूज करा? कभी आपने सोच के देखा? यही रीजन है कि जब हम लोग स्कूल से या कॉलेज से ट्रांजिशन करके मार्केट प्लेस में जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है, अबे यार, जो कुछ भी बताया था, पढ़ाया था, वो तो यहाँ पे कहीं काम ही नहीं आ रहा. नेगोशिएशन स्किल्स तो पढ़ा ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स तो पढ़ाया ही नहीं, मैनेजिंग योर मनी तो पढ़ाया ही नहीं, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है ये तो पढ़ाया ही नहीं, स्ट्रेंजर्स से कैसे बात करनी है ये तो हमें आता ही नहीं है. अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जो किताब में लिखा हुआ है उससे थोड़ा भी अलग हो जाए तब क्या करना है ये तो बताया ही नहीं. 4P 5P ऑफ मार्केटिंग तो पढ़ा दिए, लेकिन जब वो काम ही नहीं करते तो उसके बाद क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं, क्या काम करना पड़ता है, ये तो आयरॉनिकली आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने खुद से वो चीजें कभी भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करी नहीं है. एंड दैट इज वाई द सेल्फ एजुकेशन कम्स इन टू द पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे आपको वो लोग सिखाते हैं, वो लोग बताते हैं जो कि प्रैक्टिकली वो सारे काम रोज कर रहे हैं. एंड दैट इज हाउ अ गुड टीचर शुड बी, इन फैक्ट दैट इज हाउ अ जेन्युइन टीचर शुड बी. जो वो कर रहा है अगर वो आपको सिखाएगा, ओनली देन विल दैट पर्सन बी अ एक्चुअल टीचर और अ मेंटर. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. दोबारा रिपीट करता हूँ, इफ यू आर नॉट वेर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, इट इज नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, then it is entirely your fault. Because see, as a mentor, it is my duty to tell you where you are lacking, what you have to do, what you are not doing in your life. अगर उसके लिए मेरे को आपको कड़वे शब्द भी बोलने पड़े, I'll do that. If you like that, fair enough. अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे लोग हैं जो मीठी मीठी बातें करते रहे, यही बताते रहे कि रात में सोते हुए कैसे पैसा कमाइए, वो ऐसा नहीं होता. And I cannot tell you that, because वो मेरे पार्ट पे रॉन्ग होगा. I cannot give you wrong hopes. I hope you understand. बोर्ड पे मैंने 16 चीजें लिखी हैं यहाँ पे. There are 16 concepts that we have written on the board. I'll explain to you all of them, a little bit about each one of them. सबसे पहले वाले की बात करता है, video creation. Second है LinkedIn influences. आज के time पे अगर आप अपना news feed देखोगे,
फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे तो वीडियोस ही चलते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी आपने देखा वीडियोस कितने प्रोमिनेंट हो गए, सारे ब्रांड्स अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, टॉप क्वालिटी के वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस सेल करते हैं, वीडियोस अपील करते हैं, वीडियोस अटेंशन लेकर आते हैं। सो अगर आपको ये चीज पता हो कि अच्छे वीडियोस कैसे बनेंगे, आपके पास अपने आप ही रिजल्ट्स आएंगे, आप अपने आप ही ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। अंडरस्टैंड दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मेकिंग वन वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ कन्वर्टिंग वीडियो, ऐसा वीडियो जो कि आपका इंटरेस्ट लेकर आए, ऐसा वीडियो जो सारी चीजों को क्लियर कट डिफाइन करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्रांड का वीडियो बना रहे हो तो आपके वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कट अगर मेंशन होंगे तब वो वीडियो सेल करने में मदद करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस वजह से वीडियो क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीडियो क्रिएशन में आउटसाइड इंडिया वाले क्लाइंट्स को पिच कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेशन आपका अपने आप ही बहुत ज्यादा हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट लिंक्डइन। आज के टाइम पे लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इतने ज्यादा पॉलिटिकल, इतने ज्यादा रिलीजियस, इतनी सारी बेकार की चीजों के पोस्ट डलते रहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा रहते हैं। तो आपको उन इंटेलेक्चुअल लोगों के पास पहुंचना है। जब आप लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, जब आपकी लिंक्डइन पे रीच बढ़ जाती है, जब आपको लिंक्डइन पे ज्यादा लोग जानना शुरू कर देते हैं, तब जो आपकी रेवेन्यू कमाने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही टॉप नॉच है। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हैं, क्यों जाना है उस इंडस्ट्री में? पहली चीज तो एक कन्वेंशनल जॉब से इंस्टाग्राम मार्केटिंग अच्छी है, और इंस्टाग्राम मार्केटिंग और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बनना और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो और कम होता चला जा रहा है। तो जब आप ये काम करते हो, यू गेट एन अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर तो नहीं बोलूंगा, अ मैसिव एडवांटेज ओवर अदर पीपल हु आर एक्चुअली नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। उसी वजह से आप ग्रो करते हो और उसी वजह से आपका जो नाम है वो और ज्यादा आगे बढ़ता चला जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? कन्वर्टिंग वीडियोस बनाना सीखिए, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बनना सीखिए। आगे चलते हैं, SMMA और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स में क्या होता है, अभी जितने भी ब्रांड्स हैं ना, उनको पता है यार अखबार में ऐड देखे, टीवी में ऐड देखे, सड़क के किनारे होर्डिंग्स लगा के कुछ नहीं होने वाला। आई मीन, एक बंदा जब सड़क पे चला रहा है अपनी गाड़ी, वो अपने फोन से हट के सड़क देख ले, वही बड़ी चीज है। वो बोर्ड या वो होर्डिंग्स कैसे देखेगा किसी के, कभी भी नहीं देखने वाला ना। तो इसी वजह से वो वाला टाइम चला गया और उसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो ब्रांड्स को ये पता है यार एक इन्फ्लुएंसर को बुलाओ, अपनी जगह पे ठहराओ, अच्छे से ट्रीट करो, अच्छा खाना खिलाओ, अपना रिजॉर्ट दिखाओ, अपने ब्रांड के बारे में बताओ। फूड जॉइंट्स को पता है, गिव देम अ लॉट ऑफ गुड फूड ऑप्शंस, स्टे ऑप्शंस, अपने आप ही आपका नाम बनेगा, अपने आप ही आपके पास ज्यादा बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आज के टाइम पे ब्रांड्स करते हैं और यही चीज आपको भी करनी है। समझो, यू हैव टू बिकम एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। हाउ? गिविंग मोर कॉन्टेंट, गिव मोर कॉन्टेंट, अच्छा कॉन्टेंट बनाओ, अच्छा फोटो कैमरे से लो, एक अच्छा फोन खरीदो, एक अच्छा कैमरा खरीदो, अच्छे उसमें हैशटैग डालो, अच्छे अच्छे लोगों के पास जाओ, और उससे भी इंपॉर्टेंट, रीच आउट करना शुरू करो। कोई तो ब्रांड मिलेगा, एक तो मिलेगा, अपने आप ही आपकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा होने लग जाएगी, मच बेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SMMA। SMMA क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके पास लोग नहीं अच्छे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सके, उनकी पॉकेट में पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता यार ये पैसे देने किसको हैं, ये पैसे खर्च कैसे करने हैं। आप उनके लिए काम करोगे, एक कहावत होती है ना, आप उनके लिए तारनहार बन के जाओगे। आप उनके पास पहुंचे, तारनहार बाय द वे इज द हिंदी मीनिंग फॉर द वर्ड गॉड, राइट? आप लोग बोलते हो हिंदी में वीडियोज बनाओ, अगर मैं इतनी ज्यादा हिंदी में बता देता हूँ तो लोगों को भी पल्ले नहीं पड़ता, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सो आप उनके पास जाओगे, आप उनको बोलोगे कि आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो हम हैंडल करेंगे, आपका कंटेंट हम क्रिएट करेंगे, आपका कंटेंट हम डालेंगे उसके ऊपर। सोचो कितना रेवेन्यू डाल सकते हो, बना सकते हो, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए एक ब्रांड से ले सकते हो, 10 ब्रांड्स भी कर सकते हो। कुछ लोगों को हायर करो, दे विल बी क्रिएटिंग द कंटेंट, आप बस उसमें कंटेंट डालोगे, यू बी द स्पोक्स पर्सन, आप बस फोन पे बात करके, इंटरेक्शन करके, डीलिंग करके पैसे कमाओगे। हाउएवर, ईजियर सेड देन डन, आते हैं इतने पैसे, लोग बहुत सारे कमाते हैं, तब जब आप बहुत बार मेहनत करो, तब जब आपको सेल स्ट्रैटेजीज आती होंगी, तब जब आपने ट्रेनिंग लिया हुआ होगा, ऐसे उठा के फोन कर दोगे कोई आपको नहीं पूछने वाला, आपको ये नहीं पता कि लोगों के ऑब्जेक्शंस कैसे क्लियर करना है, कोई आपको नहीं पूछने वाला। अगेन, सेल्फ एजुकेशन, ब्लू ओशन थ्योरी, उस चीज के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो टू द अदर टू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज बी ब्लॉगिंग एंड अफिलिएट प्रमोशंस। अभी ब्लॉगिंग आप सब लोग करते हो, वही काफी लोग सोचते हैं सर ब्लॉगिंग करेंगे, कंटेंट लिखेंगे। पहली चीज तो अगर हिंदी में कंटेंट लिख रहे हो तो हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश में कंटेंट लिख रहे हो तो इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को दोनों ही लैंग्वेजेस नहीं आती, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे गेट स्टक। यू अग्री विद मी? दैट्स द प्रॉब्लम। मैंने ऐसे इतने सारे लोगों को देखा है जो कि मुझे मेल लिखते हैं, 3 लाइन का अगर मेल है उसमें 10 तो ग्रामेटिकल एरर्स है, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है,
Why will someone hire you? उससे एक आसान तरीका है, videos बनाओ, vlogging करो, एक बार कैमरे के सामने आने का कॉन्फिडेंस ले लो. जब आप वो कर लोगे, आप इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने लग जाओगे, आपके कंटेंट के थ्रू आपका नाम हो जाएगा. पीपल विल इनवाइट यू, पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, बिकॉज यू आर द वन हु इज मेकिंग वीडियोस, वेयर एज एवरीवन एल्स इज अफ्रेड ऑफ मेकिंग वीडियोस. दैट इज नोन एज वीलॉगिंग. वीडियो, वीडियो इज द की टुडे. पहले भी मैंने बताया था आपको, वीडियो के ऊपर फोकस करो. वीडियो के ऊपर फोकस करोगे, आपके पास अपने आप ही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आएंगी. एंड अफिलियट प्रमोशंस कैसे होते हैं? माना आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बने, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बने, तो आप उस जगह पे गए, आपका रुकना खाना पीना तो फ्री हुआ ही हुआ, आपने उसके नीचे एक लिंक और डाल दिया, इफ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट अ डिस्काउंट. तो उस बंदे को तो डिस्काउंट मिल गया, आपको आपका अफिलियट प्रमोशन का कट मिल गया. उस बंदे का फायदा हुआ, ऑफकोर्स. आपका फायदा हुआ, ऑफकोर्स. समझ में आया? कॉमेंट्स में लिखो, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो. किस चीज में इसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है? आप अपनी लाइफ में कैसे एक बदलाव लेकर आ सकते हो? लिखो उसमें, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. एंड ऑल्सो टेल मी हाउ यू वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर लाइफ. एंड ऑल्सो टेल अस, ऑल ऑफ अस, कितने रुपए लगाए भाई बीटेक और एमबीए करने में, और उसके बाद कितने रुपए की जॉब मिली? तभी ये जो हमारी मुहिम है, जो हमारा मिशन है टू चेंज पीपल्स लाइफ, ये तभी काम करेगा जब आप एक्चुअल में रियलिटी लोगों को बताओगे. ओके, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? नाउ लेट्स गो अहेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉगिंग एंड ड्रॉपशिपिंग. ब्लॉगिंग आपको पता है, जब आप रिटन कॉन्टेंट करते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट ब्लॉगिंग, अगर आपका रिटन कॉन्टेंट अच्छा है तो, लेकिन आपको एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज तो चूज करना पड़ेगा ना. मे बी आपके लिए एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ब्लॉगिंग है, मे बी किसी और के लिए एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ब्लॉगिंग है. अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्टेंट लिखना अच्छा है, इफ यू कैन राइट मीनिंगफुल कॉन्टेंट, इफ यू कैन हैव पीपल हु वुड बी फॉलोइंग योर कॉन्टेंट, देन ब्लॉगिंग इज रियली गुड, इट इज रियली अमेजिंग. एंड ब्लॉगिंग के टाइम पे थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करने लगे हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है. लेकिन जो लोग मेट्रोज में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, इफ योर कॉन्टेंट इज गुड, तो वहां पे बैठ के वो पढ़ेंगे आपका कॉन्टेंट, और आप उसमें ही अपने अफिलिएट लिंक्स डाल के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. देखो, सारी चीजों का जो घूम फिर के सार है वो तो एक है, यू नीड टू गेट द अटेंशन. इतना नॉइज है मार्केट में, यू नीड टू कट थ्रू द नॉइज एंड गेट दैट अटेंशन फॉर यू. जब आप वो अटेंशन लेकर आ जाते हो, अपने आप ही लोग आपको फॉलो करते हैं. एंड जस्ट लाइक इट हैज राइटली बीन सेड, मनी फॉलोज अटेंशन, गेट द अटेंशन ऑफ पीपल. जब आप अटेंशन लेकर आते हो लोगों का, अपने आप आपके पास रेवेन्यू भी जनरेट होने लग जाता है, आपका नाम भी होने लग जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपने प्रोडक्ट्स खरीदे अलीबाबा से, और आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, बड़े मार्केट्स में, ज्यादा रुपए में. अब वहां पे जो लोग हैं उनको दिखता है, उनके सामने फेसबुक पे एड चला के बेचते हो, फेसबुक पे उनको दिख जाता है यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, होता भी $20-22 का है, $25-25 तो वहां पे पार्किंग के लिए देते हैं लोग न्यूयॉर्क में, वेन वी वर देयर. तो बहुत बड़ी चीज नहीं है लोगों के लिए उतना पैसा खर्च करना, $40 भी दे देते हैं कभी कभी एक दिन का, अंडरस्टैंड. तो आपने वहां पे एड चलाया, आपने अपना प्रोडक्ट सेल करा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग, विच इज वेरी मच इन द न्यूज टुडे, विच इज वेरी मच इन द मार्केट टुडे. लेकिन ये करने के लिए आपका थोड़ा बजट होना चाहिए फेसबुक एड चलाने के लिए. अगर आप सोचते हो कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, ऑल्दो आई कैन प्रूव इट टू यू दैट यू आर नॉट, वॉच माई अदर वीडियोज, बट अगर आपको फिर भी ये लगता है यार मैं वीडियो नहीं बना सकता यार, मैं लिखा नहीं जाता है, मेरे पे पैसे हैं, तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, और ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट बन के उस सेक्टर में पैसा कमाना शुरू कर सकते हो. आगे चलते हैं. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फेसबुक एड्स एंड प्रोडक्ट ऑन डिमांड. प्रोडक्ट ऑन डिमांड क्या होता है, आपने देखा है माई ड्रीम स्टोर, आपको वो एड चला के दिखाते हैं, एक मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं. जब मूवी आई थी उरी मूवी, तब एक टी शर्ट चली थी हाउस द जोश, मैंने भी एक लिया था, उसके बाद मैं लंदन चला गया और टी शर्ट कभी आई नहीं मेरे पास, फॉलो अप भी नहीं कर पाए, अच्छी टी शर्ट थी वो बहुत ज़्यादा. तो वो क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट के लिए, और फिर आप वो खरीदते हो. जैसे किसी इन्फ्लुएंसर की फोटो डाल दिया, स्टीव जॉब्स की फोटो डाल दिया, मार्क ज़करबर्ग की फोटो डाल दिया, किसी एक्टर की फोटो डाल दी, उसकी वजह से वो टी शर्ट बिकती है. दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑन डिमांड. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज रियली न्यू. नाउ एक चीज मैं दोबारा पूछता हूँ, किसी ने भी कॉलेज में सब बताया? किसी ने भी ग्रेजुएशन के टाइम पे सब बताया? आपके ऑफिस में लोग ये सब बातें भी करते हैं? वहां तो ये बातें होती हैं, भाई यार चांदनी से बात नहीं हो पाई यार, इतनी बार मेहनत कर ली यार, चांदनी ना फोन नहीं उठा रही यार, चांदनी को कॉफी पे ले जाना चाहता हूँ यार, नहीं हो पा रहा यार. या वहां पे अरे यार राहुल तो आजकल मुझे देखता भी नहीं है पलट के, मैं मतलब इतना बन ठन के आई लेकिन राहुल मुझे देखता भी नहीं अभी भी. या फिर सुट्टे लगाते हैं, बहुत बेकार बॉस यार हमारा यार, मैं क्या बताऊं तुझे यार, फिर सुट्टे लगा के नीचे रख दिया. रोज के लोग 10-10 तो सिगरेट पी जाते हैं यार, मैंने कहा तुम 6,000 रुपये महीने के सिगरेट पे खर्च कर रहे हो, और जब अपने ऊपर खर्चा करने की बात आती है, सर पैसे नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है सर, बहुत मजबूरी की जिंदगी जी रहा हूँ, सिर्फ रोज 200 रुपये खर्च कर पाता हूँ सिगरेट में, वीकेंड में पार्टी में सिर्फ 2,500 रुपये खर्च कर पाता हूँ सर, बहुत गरीब हूँ. दैट इज द काइंड ऑफ माइंड सेट दैट पीपल हैव.
बेकार की चीजों में अपन पैसा खर्च करते हैं, अपने ऊपर पैसा खर्च करने का मौका आता है, हम नहीं करते, फिर हम क्रिप करते रहते हैं। मैंने वीडियो देखा था यार वाला मुंबई लोकल का, आप में से कितने लोगों ने देखा, इसमें मुंबई लोकल में अराउंड 1700 जहां पे पैसेंजर्स जा सकते हैं, 6500 लोग जा रहे थे। पीपल वर पुशिंग इन, खड़े हुए लोग लटक रहे हैं बाहर लिटरली, जहां पे इलेक्ट्रिक पोल्स भी हैं। मैंने जब वो देखा, मैंने मेरी टीम वालों को बताया, मैंने कहा सी लुक एट द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी पीपल आर लिविंग ओवर हियर। अपने घर से ऑपरेट करो, घर के सामने स्विमिंग पूल है, बगल में बीच है, किसी को रिपोर्ट नहीं करना, बाहर धूप में नहीं जाना, बाहर ट्रैफिक में नहीं जाना। इमेजिन, एंड हाउ ऑल दोज थिंग्स केम पॉसिबल, बिकेम पॉसिबल वॉज बिकॉज वी टुक अ डिसीजन टू चेंज द वर्क दैट वी आर डूइंग। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नौकरी छोड़ दो, लेकिन एज अ साइड हसल तो कर सकते हो। रोज 8 बजे से रात को 1 बजे तो अपने ऊपर टाइम डिवोट कर सकते हो, वीकेंड पे तो टाइम डिवोट कर सकते हो, अपने आप ही आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज नॉलेज विल लीड टू इम्प्लीमेंटेशन, विल लीड टू मोर मनी, एंड ग्रेजुअली मे बी आप इसको अपना फुल टाइम वर्क बना लोगे। कौन नहीं चाहता यार अपने घर पे अपने पेरेंट्स के संग रहना? कौन चाहता है वहाँ पे डेली में मेट्रो में धक्के खा खा के काम करना, या बैंगलोर में इतने बड़े ट्रैफिक में फंस फंस के रोज जाना, या किसी भी और सिटी में जहाँ पे इतने धूल में जा जाके हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। पुणे में अगर आप काम करते हो आईटी हब में, आप एक टाइम ट्रैवल करने का आपको 2.5 घंटा लगता है, इज इट वर्थ इट? इज वेस्टिंग योर 5 years ऑफ योर डेली लाइफ जस्ट ऑन कम्यूटेशन, इज इट वर्थ इट? यू नो डीप इनसाइड इट इज नॉट, बट व्हाट आर यू डूइंग टू चेंज इट? इफ यू डोंट डू एनीथिंग टू चेंज इट माय डियर फ्रेंड, नथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर यू, अंडरस्टैंड दैट। लेट्स गो अहेड, वन मोर कॉन्सेप्ट, यस, फेसबुक एड्स। If you become good at Facebook ads, आप लोगों को टारगेट कर सकते हो based upon their age, based upon वो कहाँ पे रह रहे हैं, based upon their interests, based upon their monthly income, based upon the companies that they are working in, आप लोगों को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो। जैसे मेरे जो ऐड चलता है, आई टेल पीपल अबाउट कम्युनिकेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ माई कोर्स। सो फेसबुक एड, इफ यू नो हाउ टू रन इट, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन। एवरी वीक अभी जो हमारा फेसबुक का खर्चा है राइट नाउ एड्स का, वो अराउंड 1,25,000 रुपए। डरो मत, शुरू हमने भी करा था 1,500 रुपए महीने से, विद इन 1 year उसको हम 1,25,000 लेकर आ गए। वाई? बिकॉज वी नो हाउ टू सेल, वी नो दैट द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गिव टू पीपल इज गोइंग टू चेंज देयर लाइफ। बिकॉज आई ओपनली से कि मेरे कॉन्टेंट से आपकी लाइफ में चेंज आएगा, बिकॉज आई एम कमिटेड टू डू इट, एंड दैट इज वाई आई टेल पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ माई कोर्स, बिकम अ पार्ट ऑफ माई इवेंट। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट with the same confidence, that is because आपको आपके product पे confidence नहीं है, आपको आपके product पे भरोसा नहीं है। अगर होता तो आप इतने confidently बात कर रहे होते, आपको लगता ही नहीं है कि आपके product से, आपके confidence से, आपके काम से, job में भी आप इतने confidence से बात नहीं करते, क्योंकि आपके मन में डर है कि शायद आपको निकाल दिया जाएगा, और उस डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। Am I right? Type in the comment section. Yes, we are fearful. Be honest. Honesty is the only thing that works with me. I am really honest in all my talks and whatever I do, and that is what helps me. Coming back to Facebook ads. फेसबुक एड्स से आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, अपने वीडियोस को भी रन कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑन डिमांड भी कर सकते हो, एज अ कोच लीड्स भी जनरेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, दूसरे ब्रांड्स को लीड जनरेशन करके दे सकते हो। रेवेन्यू की तो कोई लिमिट ही नहीं है बॉस, अपने घर पे बैठो, एसी में बैठो, जैसे मैं हूँ। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ यार, मतलब यहाँ कोट है शर्ट है नीचे केपरी पहन के वीडियो बनाया जा रहा है ये वाला। यू कैन लिव अ लाइफ लाइक दैट, बट व्हाई एंड आर यू नॉट लिविंग अ लाइफ लाइक दैट? Because you are not taking enough action. Please understand that. Let's go ahead. Secrets भी बता दिए केप्रियल। अभी बात करते हैं copywriting और monetizing Facebook groups. देखो, जब आप कोई चीज लिखते हो, उसको आप कितने अच्छे से present करते हो, that is the concept of copywriting. आप लोगों के कितने objections दूर कर देते हो अपने content के through, that is known as copywriting. For example, mango shake बिकता है 25 रुपए का, but a mango smoothie served cold, dipped with yummy cream. And you can add a lot more things to that. वो बिकती है 350 रुपए की। The difference is the place of course and the copywriting. अब mango shake वाला अगर ये लिखेगा, लोग तो समझ नहीं पाएंगे, भाई साहब बेच कह रहे हो ये तो बता दो आप हमें आसान सरल शब्दों में। वो वाली चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और वो वाली चीज़ हमको तब समझ में आती है जबकि हम अब उस कॉन्सेप्ट के अंदर जाते हैं। सो इफ यू कैन बिकम अ गुड कॉपी राइटर, बिलीव मी यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। हमारे लॉन्चेज में हमने 2-2 लाख रुपये भी दिए हैं कॉपी राइटिंग करवाने के, क्योंकि उस कॉपीराइटिंग की वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉपीराइटिंग, बिकम सक्सेसफुल एट कॉपीराइटिंग एंड मनी विल फॉलो यू। प्लस मेरा एक वीडियो है मोनेटाइजिंग फेसबुक ग्रुप्स, मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे, चेक करो। उसमें मैंने बताया कि एक ग्रुप बनाओ, एक कम्युनिटी क्रिएट करो, एक निश के अराउंड एक कम्युनिटी क्रिएट करो। वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, डांसिंग हो सकता है,
और क्या हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है, वो क्रिकेट की कोचिंग हो सकती है, और उन चीजों की वजह से भी आपके पास वो वाला चेंज आना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो तब आएगा जब आप वो एक्शन लोगे, जब आप वो डिसीजन मेकिंग करोगे। अटके रह जाओगे बॉस तो कुछ भी नहीं होने वाला, समझ रहे हो ना आप इस चीज को, एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, वेबसाइट फ्लिपिंग एंड इंटरनेशनल लॉन्चेस। अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यू नो हमारा एड्स क्रिस्प का लॉन्च चल रहा है, 4 दिन में हमने अराउंड 150,000-160,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर दिया है, विच इज हाउ मच, मोर देन 1 करोड़ रुपीज विद इन 4 डेज। तो हमारे इंटरनेशनल लॉन्चेस में क्या होता है, आप कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, कोई एक कोर्स बनाते हो, एंड यू सेल इट इन द मार्केट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, इन द यूरोपियन मार्केट, इन द US मार्केट, एंड इट इज रियली अमेजिंग, इतना रेवेन्यू आपके पास आ सकता है। उसमें कुछ JVs होते हैं, इट्स अ लॉन्ग कॉन्सेप्ट, वो लोग भी आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। JVs कौन होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, जॉइंट वेंचर वाले लोग, वो लोग भी उस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं और उसके थ्रू भी वो अपने लाइफ में रेवेन्यू जनरेट करते हैं बहुत ज्यादा भर भर के। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉन्चेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके थ्रू भी आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। नाउ व्हाट इज वेबसाइट फ्लिपिंग। एक आपने वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आप लेकर आ गए, उस बहुत सारे ट्रैफिक की वजह से आपकी वेबसाइट रैंक करनी शुरू हो गई, उसके बाद आपने किसी को अप्रोच करा, इतना ट्रैफिक आता है बॉस मेरी वेबसाइट पे, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग, वो एक प्राइस देते हैं, आप नेगोशिएट करते हो, आप वेबसाइट सेल कर देते हो, यू मूव ऑन टू अनदर वेबसाइट, मूव ऑन टू अनदर वेबसाइट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होते। जब ये करने लग जाओगे तो जो रेवेन्यू है वो तो मतलब स्काई इज द लिमिट हो जाता है। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप एक चीज में अच्छे बनोगे ना, आप ये सारी चीजें करोगे। आई विल इंश्योर दैट इन द कमिंग इयर्स यू आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ देम, ऑल सोर्सेस। आई गॉट टू बी गुड एट जस्ट वन थिंग, एवरीथिंग एल्स वुड बी डाइवर्सिफाइड, एवरीथिंग एल्स वुड बी गिवन टू अदर पीपल। आप लोगों को अगर ये लगता है ना, एक चीज ध्यान से सुनो, कि आप एक नौकरी कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, वो इसलिए बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड यू ऑल्सो डोंट नो हाउ टू मैनेज योर मनी। आई कैन टेल यू वन थिंग, आज से 2 साल के बाद जब हमारी कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही होगी, उस समय मैं सबसे ज्यादा फ्री रहूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ना, इसलिए क्योंकि आपके सारे काम आउटसोर्स्ड हो जाते हैं। उस लेवल पे पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है यार, बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। वी आर रेडी टू डू दैट एफर्ट्स, यू नो दैट। आपको पता है रोज रात को मैं 2-2.5 घंटा यूट्यूब पे लाइव भी कर रहा हूँ, बिकॉज एफर्ट्स डाले बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। एफर्ट्स डाले बिना तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत जरूरी है कि आप एफर्ट्स डालो, बहुत जरूरी है कि आप नई चीजें करो, और बहुत जरूरी है कि आप अपने पास टाइम रखो। अब आपको पता है व्हाई डू आई वांट फ्री टाइम विद मी, क्योंकि जब मेरे पास फ्री टाइम रहेगा माय माइंड वुड बी फ्री, एंड व्हेन माय माइंड इज फ्री आई विल गेट मोर आइडियाज। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठा रहूंगा या बीच पे बैठ के समय खराब कर रहा हूं, आई विल बी वर्किंग, आई विल बी वर्किंग ऑन न्यू कॉन्सेप्ट्स, आई विल बी वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज, और उस चीजों को हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आपकी जॉब जानबूझ के 8 से 10 से 12 घंटे इसीलिए कराई जाती है, जबकि काम तो रोज 2-3 घंटे का ही होता है। सिर्फ इसलिए बिकॉज दोज पीपल डोंट वॉन्ट यू टू थिंक, वो नहीं चाहते कि आप सोचो, वो नहीं चाहते हैं कि आपके पास वो वाला टाइम आए कि आप सोच सको, एंड दैट इज द रीजन वाई यू आर नॉट एबल टू गेट ऑल दोज रिजल्ट्स फॉर यू। समझ में आई आपको ये वाली चीज, बहुत जरूरी है आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझना कि आपके पास टाइम होना चाहिए, यू नीड टू हैव द टाइम फ्रीडम। And after all, if you're not even able to enjoy your money, what's the point of earning that money, right? I don't know what is enjoyment for you. For me, work is enjoyment. For me, traveling with my team members is enjoyment. For me, spending my money on my team members is enjoyment. आपके लिए जो भी enjoyment होगा, वो जो party वाला enjoyment आप करते हो, just to get those breaks, वो वाला enjoyment की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। We're talking about the enjoyment that is long lasting. वो आपकी life में तभी आता है जबकि आप एक चीज में move on करते हो, और जब आप website flipping और ये सारे concept समझते हो। दो चीजें और हैं, एक है वेबिनार सेल्स और एक है फनल क्रिएशन। वेबिनार सेल्स क्या होता है, आपने देखा होगा इन द पास्ट 1 ईयर आई हैव डन मोर देन 100 वेबिनार्स। अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, हमारा लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू है अभी ऑलरेडी इस वाले कॉन्सेप्ट से वो अराउंड 1.5 करोड़ टच कर गया है। सो इफ यू रियलाइज, आई जस्ट डिड दिस कैलकुलेशन राइट नाउ, फ्रॉम ईच वेबिनार दैट आई हैव डन आई हैव जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ 1.5 लाख रुपीज। दैट इज सो अमेजिंग मैन। आई मीन पहले मैं सोच भी नहीं सकता था जब मैं कॉलेजेस में जाता था, उस समय की बात कर रहा हूँ, या जब 500 रुपये महीने पे रहते थे, कि एक 3 घंटे का वेबिनार, यानी कि हर वेबिनार के हर एक घंटे का आपने 50,000 रुपये कमाया है। कैन यू इवन इमेजिन। और वो कंटेंट रहेगा, वो कंटेंट ग्रो होता जाएगा, वो खत्म नहीं हो रहा है। दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट गेटिंग फिनिश्ड, दोज वीडियोज आर गोइंग टू स्टे, दैट रेवेन्यू इज गोइंग टू मल्टीप्लाई। डू यू अंडरस्टैंड, वेबिनार इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वेबिनार क्या होता है, ऑनलाइन सेमिनार। तो वेबिनार के थ्रू भी आप बहुत ज्यादा सेल्स कर सकते हो, बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेकर आ सकते हो, और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में कर सकते हो।
एंड सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फनल. एक और वीडियो मैंने बनाया था हाउ टू अर्न 7 करोड़ रुपीज, उसमें मैंने पूरा फनल आपको समझाया है कैसे एक बंदा आपके बिजनेस में आता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, एंड देन यू आर एबल टू सेल टू दैम इन अ मोर इफेक्टिव मैनर एंड इन अ मोर वंडरफुल मैनर. और आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो बढ़ता चला जाता है. ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. You know, understand that, right? You have realized, हाँ यार इससे बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं. And we have done that. And that is why we are telling it to you. And again, I want to again invite you to the event that we are doing in Goa. Because वहाँ पे इन concepts के अलावा 14 और concepts होंगे. Total 30 से ज़्यादा सी चीजें आपको हमारे event में सिखाई जाएंगी. वो 30 से ज़्यादा चीजें आपकी life में जो बदलाव लेकर आ सकती हैं, वो बहुत बड़ा है. क्योंकि इन सारी चीजों के एक्सपर्ट आएंगे जो कि आपको डिटेल में एक एक चीज बताएंगे कैसे आपको शुरू करना है, कैसे आपका फर्स्ट लेवल होगा, कैसे आप अपनी जर्नी की शुरुआत करोगे, कैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, कैसे आप इतना ज्यादा उस लेवल में आगे बढ़ सकते हो कि आपके संग कोई कंपीट ही ना कर सके. उसके बाद आपका मास्टरमाइंड सेशन होगा जिसमें कि आप उन लोगों के संग बैठोगे, टेबल पे जाके बैठोगे, उनकी एक एक क्वेरी सॉल्व करेंगे वो आपकी, आप एक एक सवाल उनसे पूछोगे, वो आपके हर एक एक सवाल का जवाब देंगे, विच इज द नेम ऑफ द मास्टरमाइंड सेशंस. मास्टरमाइंड सेशंस में एग्जैक्टली ये होने वाला है जहां पे कि वो लोग आपके पास बैठेंगे अक्रॉस द टेबल. यू विल आस्क देम योर क्वेरीज, दे विल हेल्प योर क्वेरीज एंड दे विल आंसर योर क्वेरीज, दे विल हेल्प यू ग्रो. अंडरस्टैंड दिस, 25 स्पीकर्स आ रहे हैं इवेंट में और वो आपको वैल्यू देंगे, वो आपको कंटेंट देंगे, वो आपको नॉलेज देंगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए. अब आप एक चीज ये समझो, ध्यान से समझो इस चीज को, समझो आप इस चीज को कि जब आप वो नॉलेज लेते हो तब जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल आते हैं, तब जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है वो बहुत बड़ी आती है. योर लाइफ कैन लिटरली चेंज. And the amount that you pay, आप 400 रुपए दे रहे हो एक स्पीकर से सीखने के लिए, 25 स्पीकर से सीखने के लिए आप सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हो. What is your excuse now? If you say I don't have the money, good, arrange the money and come to the event, so that ये जो monetary problem है हमेशा से आपकी life में change हो जाए. Sir, I don't have holidays, no problem. एक Friday की छुट्टी के लिए मत ना मिले, पैसे कटवा लो. Saturday, Sunday का event attend करके Sunday रात को चले जाओ, Monday को office join कर लो. What is the other excuse that you have? Sir, it is very far in Goa. I go to attend events in the US. Sir, I'm not from a technical background. Neither am I. Neither is Saurabh. Neither is Gaurav. Neither is Roshni. हमने सारी चीजें खुद से सीखी हैं. जो भी आपके doubts हैं, जो भी आपके objections हैं, सब कुछ sorted है boss. Sir, महंगा है. 10,000 रुपए महंगे हैं. लाखों रुपए BTech में देना अच्छा है. Think about it. इतनी चीजें, इतनी value, इतनी in-depth information आपको provide कराई जाएगी. For your knowledge base, for your learning and for your transformation. Understand, if you're not earning whatever you should earn in your life today, that is because you do not have the right information. You have the wrong data. You hang out with the wrong people. 500 लोग होंगे इवेंट में. जब आप उनके संग रहोगे, क्या आपको समझ में आ रहा है? आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे? आप कितने पॉजिटिव लोगों के संग रहोगे? आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा? Just think about it. Imagine the possibilities. Imagine the growth options. Imagine how much you can grow in your life. When you get all these concepts, imagine जब आप virtually एक no competition zone में चले जाओगे, तो आपके grow करने के chances कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं? 1 करोड़ लोग जो एक जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, compared to 1,000 people who are doing concepts like these, who will win? You know the answer. You, my dear friend, will win. But you got to take that action. You got to make that move. अगर आप वो move नहीं ले रहे हो, अगर आप वो change नहीं ले रहे हो, तो आप अटके रहोगे. आप जहाँ पे भी आज हो. And when I say this with a lot of heart and a lot of feelings, because I want you to win. Because I did not like people, you people, getting into that train. Ya jab sham hoti hai, jab aap Delhi metro mein hote ho, Rajiv Chowk mein, lad rahe hote ho us metro station mein, roz andar ghusne ke liye. My dad was also there. I don't want that to happen. And I don't want that to happen to you as well. What is your excuse? Paise nahi hai, bacha lo, ghar pe kuch OLX mein hai extra, usko bej do. अगले कुछ समय तक पैसा बेकार की चीजों में खर्चा करना छोड़ दो. मूवीज मत देखो. कुछ तो करते होगे जहां पे एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो रहा होगा. कट डाउन ऑन दैट एक्सपेंसेस एंड पुट दैट मनी ऑन योर ओन सेल्फ फॉर योर लर्निंग, योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड योर ग्रोथ, बिकॉज यू डिजर्व सक्सेस. गेट इट इनटू योर हेड दैट यू डिजर्व सक्सेस. यू गॉट टू बी देयर एट द इवेंट इन गोवा. कम देयर, बी देयर, सो दैट यू कैन लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, सो दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर लाइफ. अ लॉट ऑफ पीपल बी से, सर आपने तो प्रमोशन करा. ऑफ कोर्स, आपकी लाइफ में चेंज लेकर आने के लिए अगर मुझे प्रमोशन करना है, आई विल डू इट. एंड आई एम अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर एंड यू शुड ऑल्सो बी वन ऑफ दैट. हम कोई एक्टर्स नहीं है यार. हमारे पास कोई
पैपराजी या मीडिया फॉलो नहीं करती, हमारी जेब में इतने पैसे नहीं है, हमें खुद अपने काम के बारे में बताना है, आपको खुद आपके काम के बारे में बताना है, एंड देन अ डे वुड कम व्हेन पीपल विल टॉक अबाउट यू। यार उसने ना ऐसे खड़े होकर भी प्रमोट करा था, यू टॉक अबाउट बिल गेट्स, यू टॉक अबाउट स्टीव जॉब्स, इतने जो बड़े बड़े लोग हैं वो एग्जीबिशन में जाके खड़े होके बीच में माइक्रोसॉफ्ट बेचते थे, एप्पल बेचते थे, दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। आई एम नॉट अफ्रेड because what I'm doing is a noble job. We are bringing about a change in people's life. Come to the event, take that action, learn all these skills. I'm going to teach you the sales skills as well. I'm going to take each and every query of yours and answer that. Mera jo entire webinar funnel hai, 2.5 ghante ke session mein, main ek ek cheez aapko usme bataunga. Who gives you so much of content? Where would you go for things like these? Hum ek ek birthday party mein bhi 10-10,000 rupaye kharcha kar dete hain yaar. Shaadi hoti hai, lakhon rupaye kharcha kar dete hain. अपने ऊपर तो खर्चा करो, अपनी लाइफ में वो चेंज लेकर आओ, बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। डोंट गिव एक्सक्यूजेस टू योर ओन सेल्फ, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, बिकॉज आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस और यू मेक रिकॉर्ड्स। द चॉइस इज योर्स, व्हाट डू यू वांट टू मेक इन योर लाइफ। आई डोंट वांट यू टू मेक एक्सक्यूजेस, आई वांट यू टू गेट ऑल दोज रिजल्ट्स। एंड इफ यू वुड हैव नोटिस, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वीडियो हैज बीन टिल नाउ, बट आई गेस इट वुड बी मोर देन 30 मिनट्स। माई एनर्जी हैज रिमेन्ड द सेम, माई डेडिकेशन हैज रिमेन्ड द सेम, my knowledge base is so much and I'm so convinced about it that we don't do retakes. This is one take recorded video because I know that what we are doing is going to massively impact your lives and it is going to bring a really big change in your life. Take that action, be a part of the event, get that knowledge base and be there amongst the winners, because just like I said in the beginning, you deserve to be a winner. And if you have a credit card, EMIs pe le lo, hamare team walon ko phone karo, उनसे पूछो कैसे कर सकते हो, विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू, बट यू गॉट टू टेक एन एक्शन। आई वी कैन गिव यू एवरीथिंग बट द पावर टू टेक एन इनिशिएटिव इज योर्स। टेक द एक्शन, द लिंक इज बिलो, द कॉन्टैक्ट नंबर्स आर बिलो, कॉल माई टीम एंड बिकम माई सक्सेसफुल फॉर योर ग्रोथ, योर लर्निंग, योर ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम राहुल भटनागर एंड आई एम कमिटेड टू मेक यू सक्सेसफुल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू द वीडियो, शेयर दिस वीडियो so that we can bring about a change, a positive change in the lives of people. And I'm looking forward to see you at the Goa event. Come there. Cheers.